प्रधानमंत्री के खिलाफ तब से टीका टिप्पणी का दौर जारी है जब से वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने पहुंचे। जब टीम इंडिया हार गई तो सोशल मीडिया पर पनौती शब्द ट्रेंड भी करने लगा। जहां देखो वहां पीएम के खिलाफ पोस्ट होने लगी और आम आदमी ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी जमकर पीएम की खिल्ली उड़ाने लगी। पर ये खिल्ली उड़ाना किसी और को नहीं बल्कि राहुल गांधी को भारी पड़ गया। राजस्थान की चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी को राहुल गांधी ने पनौती कहा। इस सभा में राहुल गांधी ने टीम इंडिया की हार का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी मतलब पनौती मोदी अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये बात अलग है कि उन्हें हरवा दिया। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की चुनावी सभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गौतम अडानी का जिक्र करते हुए जेब कतरा शब्द का इस्तेमाल भी किया। भाजपा ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को शर्मनाक और अपमानजनक बताया। राहुल गांधी ने अभी तक इस टिप्पणी को लेकर कोई माफी नहीं मांगी। इसी बात से नाराज होकर भाजपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस नेताओं का बयान चुनावी माहौल को खराब कर रहा है। अब चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी को एक नोटिस जारी कर दिया गया है और 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग से जारी की गई नोटिस में ये लिखा है कि प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक बहुत वरिष्ठ नेता के लिए अशोभनीय है। इसके साथ ही आदर्श चुनाव और आचार संहिता के उल्लंघन की बात भी कही गई है। इस मुद्दे पर खबर लिखे जाने तक कांग्रेस का पक्ष सामने नहीं आया था। आपको बता दें 25 नवंबर को ही मतदान होने वाला है और आयोग की ओर से जारी नोटिस में राहुल गांधी को 25 नवंबर तक ही जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी क्या करते हैं या फिर कांग्रेस क्या करती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि शायद ही राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए माफी मांगे।